आ गए आ गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ कश्मीर फाइल्स देखने पहुंचे हैं और सीधे उनसे बात कर लेते हैं। आईडी लगा ले हम लोग यार नीचे कर लो शांत रहे। अभी मैं अपने परिवार के साथ फिल्म देखने आया हूं, लेकिन द कश्मीर फाइल्स उस बर्बरता की सच्चाई को उजागर करती है जो अपने लोगों ने अपने देश में अपने कश्मीर में जिसको दुनिया का स्वर्ग कहा जा सकता है वहाँ के कश्मीरी पंडित बहनों और भाइयों ने भुगती है अपने परिजनों के सामने बहनों और बेटियों की इज्जत तार तार कर दी गई। बर्बर हमलों में अनेकों हमारे भाई बहन भारत माता के बेटे बेटी मार दिए गए, अपनी इज्जत अपना सम्मान और अपनी जान की रक्षा के लिए इसी भारत माता के बेटे बेटी हमारे भाई बहन कश्मीरी पंडित उनके परिवार कश्मीर छोड़ने पर मजबूर हुए। एक वो काला इतिहास जिसके बारे में जब पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आत्मा रोती है कि आजादी के बाद हमारे अपने देश में हमारी धरती पर हमारे भाई बहनों के साथ ऐसे अमानुषिक अत्याचार हुए। उस बर्बरता की सच्चाई को बयान करती है द कश्मीर फाइल्स पिक्चर। में अभी देखूंगा लेकिन मैं विवेक अग्निहोत्री जी को अनुपम खेर जी को बधाई देता हूं, उनके साहस को प्रणाम करता हूं। इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मैं भी अपने परिवार के साथ देखने जा रहा हूं और बाकी सब देखें, ये अपील भी करता हूं। सर, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कांग्रेस ही है, लेकिन वो भी फिल्म देखने जा रहे हैं भूपेश बघेल, कैसे देखते हैं? सर, मध्य प्रदेश में कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं विपक्ष के साथ में। सच्चाई सबको देखना चाहिए, जो नहीं देख रहा है वो जान बूझ कर आंखों पर पट्टी बांधना चाहते हैं। जो देश ने भुगता है, हमारे बेटे बेटियों ने भुगता है, उस सच को जानना और केवल उतना ही नहीं, कैसे हमारे कश्मीर के पंडित भाई और बहन वहां बसे, ये हम सबका फर्ज है। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि भारत के हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई है, अनेकों बदलाव और परिवर्तन कश्मीर में आ रहे हैं, आशा और विश्वास जगा है। तुष्टिकरण की राजनीति कर चौहान पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ फिल्म देखने पहुंचे। चालू है आईडी किस नाम है? प्ले करना, रुको रुको, हाँ सुनवा सुनवा। आप
को साथ में ही वो कर रही है हमने अभी बोले।